गाड़ी नहीं है कि 40,000 की जॉब पे जाते हुए तुम्हें ऑकवर्ड फील हो। मिर साहब, एक शौहर की तरफ से। शांत है, तुम अभी तक रेडी नहीं हो, बाहर गेस्ट आए हुए हैं। गेस्ट? मॉम, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है और आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हैं? कंफ्यूज मैं नहीं हो रही, तुम फॉरगेटफुल हो रही हो। तुम्हें मैंने कहा भी था ना कि वो आ रहे हैं, उसका बेटा भी साथ आया हुआ है, मगर तुम्हें ऐसी चीजें क्यों याद रहेंगी? आ रही हूं। और तैयार होकर आना। शांजे, आई मीन इट। मैंने कौन सी पिक्चर्स खिंचवानी है उनके साथ? शांजे, आपने इतना तकल्लुफ किया? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शांजे, ये अर्शद है। नूर, लिसन टू मी। नूर, नूर, है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आता है। हाय हाय शांजे बेटा, कैसी हो? कभी आंटी से भी मिलने आ जाया करो। आंटी, आई एम फाइन। ये हैं आपके काबिल बेटे। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये नहीं जानते। तो आप जान लेंगे। इतनी हैरत से क्या देख रहे हैं आप मुझे? वैसे आप मुझे कैसे जानती हैं? क्या हो गया बेटा, एक ही शहर में रहते हो भी होगी कहीं मुलाकात? जी जी आंटी, बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स। शांजे बेटा, आप अर्शद को लॉन में क्यों नहीं ले जाते? और मैं चाय वहीं भिजवा दूंगी। श्योर, आइए। इसे बता दूं मैंने इसे कहां देखा था? बेचारा शर्मिंदा ही होगा। क्या सोच रही हैं आप? वही जो आप सोच रहे हैं। मैं तो खुद को दाद दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ तो है मुझ में जो आपने मुझे कहीं देखा और याद रखा। जी जी, नो डाउट। वैसे आप भी याद रखे जाने के लायक हैं। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? आप जहीन होने के साथ साथ खूबसूरत भी हैं। दिन में कितनी लड़कियों की तारीफ करते हैं आप? आप ही तो खूबसूरत नहीं है ना, तो लड़कियों की तारीफ करने के आदि हो। लगता है शायद आप तारीफ सुनने की आदि नहीं है, वरना पता होना चाहिए कि जब किसी की तारीफ करते हैं तो वो खुश होता है। जानती हूँ ना कि सिर्फ खुश होते हैं बल्कि चाय या कॉफी के कप के साथ साथ ड्राइव भी जरूरी होती है ना? आप तो वाकई बहुत जीनियस हैं। सो फिर हम कब चलें लॉन्ग ड्राइव पर? फिलहाल तो आपको अपने घर जाना चाहिए। क्या मतलब? अरे लिसन, बात तो सुने आप मेरी। बाय द वे, मैंने जब पहली बार आपको देखा था तब भी आप ऐसी ही कैफियत में थे। अच्छा ये बताओ, तुम एग्जीबिशन पे चल रही हो ना? विल यू टेक मी?
ऑफ कोर्स अच्छे कपड़े आए हुए। बेटा आप लोगों की चाय तो हमने बाहर भिजवाई है, अब शायद उसकी जरूरत ना पड़े, आप अज़र से पूछ लीजिएगा। मम्मी आई हैव टू गो, चले। बेटा इतनी जल्दी? आंटी नेक्स्ट टाइम, अभी कोई काम याद आ गया। अज़र मैंने तुम्हें कहा भी था सारे काम छोड़कर मेरे साथ चलना। मम्मी आप गाड़ी में आ जाए, मैं आपको सब बताता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ओके डार्लिंग, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बिल्कुल। ये किसे बुला लिया था आपने मॉम? क्या बुराई थी उसमें? एक नंबर का फ्लर्ट है वो। आधे घंटे की मुलाकात में तुम कैसे जज कर सकती हो किसी को? मैंने ना पहली मुलाकात में उसे जज कर लिया था, एक नंबर का फ्लर्ट है वो, और आज यकीन भी हो गया। 100% परफेक्ट तो कोई नहीं मिलेगा तुम्हें इस दुनिया में। तो इसका मतलब है जो मिले उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए? नो वे मॉम। मुझे तो अब तुमसे डर लगने लगा है। पहली मुलाकात में तुम लड़कों को रिजेक्ट कर देती हो, तुम्हारी नजर में कोई परफेक्ट नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि तुम आखिर चाहती क्या हो। अगर यही हालात रहे तो खुदा ना खासा तुम जिंदगी भर तन्हा रहोगी। अगर किसी को मौका नहीं दोगी तो कौन पकड़ेगा तुम्हारा हाथ? मेरा हाथ वही थामेगा जिससे मैं मोहब्बत करूंगी। और ये कब होगा? जब कोई मिल जाएगा। अम्मी क्यों कर रही हैं आप? मैं कर देती ना थोड़ी देर में, फिर आपकी आंखें दुखेंगी। अरे बेटा अब तो शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। ये बताओ शानी नहीं गया अभी तक? नहीं, वो कह रहा था देर से जाएगा, उसने सीवी वगैरह ड्रॉप करनी है कुछ जगहों पे। बहुत मेहनत करता है मेरा बच्चा, अल्लाह कोई ना कोई सबब बना ही देगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फूफो। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक फूफो। आपको पता है रमशा आ रही है? अरे वाह, अच्छा। उसके ससुराल में किसी की शादी है। अरे वाकई, कब आ रही है? इसी महीने दुबई सेटल होगी, लेकिन आज भी आपके मोहल्ले के टेलर के सिले हुए कपड़े पसंद है उसे, बस वो ही देने जा रही थी। अच्छा अच्छा, वो अगर आपकी इजाजत हो तो आप ही को साथ ले जाऊं? हाँ हाँ जरूर ले जाओ, लेकिन अभी तो आई हो, बैठो तो सही। आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। बड़े लोग तो वो हैं जो घर पे मौजूद हैं। क्या हुआ, पिज्जा हाउस से भी जवाब दे दिया गया क्या? जिस दिन भी पिज्जा हाउस से जवाब मिला ना, सबसे पहले खुशखबरी तुम्हें ही सुनाऊंगा, फिक्र नहीं करो। अंधा ना करे बेटा, ये नौकरी भी बुरी तो नहीं है, लेकिन एक नई जॉब के लिए भी कोशिश कर रहा है, दुआ करना वहाँ बात बन जाए। आज इसीलिए ऑफिस नहीं गया, वहाँ कागजात देने थे। आप ही चले? अरे इतनी जल्दी क्या है? क्यों, कहीं जा रहे हो तुम लोग? क्या? टेलर के पास। तो मैं लेके चलता हूँ ना। आप ही, आपके साथ जाना है मैंने। हाँ अच्छा है ना, शानी छोड़ देगा बारी बारी हमें। आप ही, हमारा रिक्शा भाई वेट कर रहा है, चलें? हाँ जाओ बेटा, चली जाओ। अच्छा मैं कपड़े छोड़ के छात्र पहन के आती हूँ। क्या बना रही है बेटा? आज पालक ले आई थी ढेर सारी, वो ही बना रही।